Hi, hello everyone, this is Binod. Today I will discuss fraction and decimal, question number 2, exercise 2.2, class 7th NCERT. स्टूडेंट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इनमें पूरी तरह से एक साइडेड पार्ट दिया हुआ है, उनको समझना फ्रैक्शन की तरह, ठीक है, और कैसे हम लर्न करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सम पिक्चर हेयर ए टू सी, ए से लेकर सी तक भी कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आर गिवेन बिलो एंड टेल व्हिच ऑफ देम सो, ठीक है, और ये फिगर क्या बताता है इन फ्रैक्शन के लिए। बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जिनके पिक्चोरियल अगर देखा जाए पिक्चोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पिक्चोरियल मतलब पिक्चर यानी इमेज या फिगर के रूप में अगर हो, तो वो उनको अगर आप अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी से आ गई आपको अंडरस्टैंड आप यानी आप अच्छे से लर्न कर लिए, तो समझिए आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है ये मैथ समझना। कैसे, क्योंकि जो पिक्चर्स होते हैं ना वो आपके इवोक सेट में लंबी समय तक रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इसीलिए पिक्चर के साथ अगर हम समझ रहे हैं तो समझिए मैथ का बहुत बेहतरीन तरीका है ये पढ़ने का। तो चलो मैं क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, देखो बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि ये देखिए तीन सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल यहाँ पे है उसके इक्वल के बाद एक सर्कल दिया हुआ है। अब एक सर्कल को बच्चे तीन पार्ट में बांटा गया है और तीन पार्ट में देखो एक पार्ट को साइडेड किया गया है, मतलब उसमें जो है उसको कलर किया गया है। तो अब ये बताइए इस फ्रैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो टोटल जो पार्ट होता है ना उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो टोटल जो सर्कल का पार्ट कितने हैं इसमें, तो टोटल अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 पार्ट है सर्कल में, तो टोटल मैं यहाँ पर रखूँगा 3। अब इसमें साइडेड पार्ट कितना है, साइडेड मतलब हुआ कि ऊपर में जो है आपके कितने इसमें टोटल सर्कल में 3 में कितना कलर किया गया, एक कलर किया गया, तो मैं यहाँ पर रखूँगा, मतलब 3 पार्ट है जिसमें एक पार्ट को कलर कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे ऐसे कितने सर्कल बच्चे, ऐसे देखो 1 और 2 सर्कल है, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा इक्वल, अब यहाँ देखो टोटल कितना इस सर्किल में, सर्किल एज ए होल, अब होल में कितने पार्ट है, 3 है, तो मैं लिखूंगा 3, ठीक है, और इसमें जो है सो कितना पार्ट कलर है, तो 2 पार्ट कलर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। और देखिए ठीक है ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका देखिए बी में आपका मैच कर रहा है, 2 × 1/3 इक्वल टू 2/3, इसका मतलब ए इसका जो है ये आंसर सही है, यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड का आपका ए हो गया आंसर, ओके इट मे राइट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिगर नंबर बी, यानी पार्ट बी का जो है फिगर पे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में जो है 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट कितना है, 4 पार्ट है, तो मैं लिखूँगा टोटल जो है पार्ट है 4, टोटल पार्ट हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इसमें कलर पार्ट कितना है, कलर किया हुआ, साइडेड किया हुआ, 1, 2, 3, तो 3 पार्ट जो है कलर किया गया है, ठीक है बच्चे। अब ऐसे से कितने हैं, 1, 2, 3, ऐसे 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, ठीक है बच्चे। अब देखो इसको तो मैंने राइट इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिख दिया, अब इसके बाद इसे देखो इक्वल लिखूंगा, मैं इक्वल लिखूंगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे इस इन ट्रायंगल में कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4 4 पार्ट है, इनमें भी क्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्ट है, तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4। अब बच्चे इसको क्या लिखूंगा, फिर 4 पार्ट है, इसमें कलर पार्ट कितना है, तो कलर पार्ट जो है 1, 2, 3, 4 4 पार्ट कलर है, और ऐसे से कलर पार्ट कितने हैं, ऐसे से कलर पार्ट जो है ना 2 है, तो मैं यहाँ रखूँगा 2। साथ साथ जो है बच्चे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा प्लस, इसको जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 4 पार्ट है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस, टोटल पार्ट 4 है, उसमें एक पार्ट कलर किया हुआ है। अब इसको इन चीज़ों को आप देखो दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 4/4 कितना हो गया, 4/4 को आप डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 4/4 तो डिवाइड किया तो ये 4/4 जो कैंसिल यानी 1/1 यानी आपका ये सिर्फ 2 बचेगा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू हो गया, फोर बाय फोर यानी वन हो गया, तो वन, तो ये सिर्फ टू हो गया, प्लस प्लस क्या होगा, वन बाय फोर, मतलब क्या हुआ, टू इंटू वन बाय फोर मैं लिख सकता हूँ, टू इंटू वन बाय फोर। तो अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन है बच्चे, देखिए थ्री इंटू थ्री बाय फोर इजकल टू टू इज टू वन बाय फोर, और देखिए ऑप्शन टू इज टू वन बाय थ्री इंटू थ्री बाय फोर इजकल टू टू इज टू वन बाय फोर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी आपका बी का जो ये थर्ड का जो है इसके लिए जो है आपका बी हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू पार्ट सी। सी एक जो है एक रेक्टेंगल है, मैंने डायग्राम तो बनाया लेकिन आप समझ लीजिए इक्वल इन शेप, मतलब सभी का शेप जो है ना इक्वल है और इक्वल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस इन्हें पार्ट फाइव पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप इसको समझ लीजिए इक्वल शेप है, क्योंकि मैं तो ड्रॉ किया लेकिन जिस तरह से मैंने किया है थोड़ी सी 19-20 हो गया, आप समझिए इस चीज़ों को, ठीक है, आप खुद से ड्रॉ करना, बुक में दी हुई है। तो चल दो मैं बात करता हूँ इसमें बच्चों कि इसमें देखो एक रेक्टेंगल है, वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट है, तो मैं एक रेक्टेंगल का लिखा फाइव पार्ट, तो ऐसे जो है टोटल कितने रेक्टेंगल है, टोटल रेक्टेंगल की जो काउंट है आपका थ्री है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टोटल तो फाइव है बच्चे, और फाइव में जो है एक पार्ट कलर किया हुआ है, एक में फाइव में एक कलर किया हुआ है, ऐसे कितने हैं, तो थ्री है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल में वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट है, तो फाइव पार्ट है तो टोटल पार्ट फाइव, उसमें कलर कलर पार्ट कितने हैं बच्चे, ए वन टू थ्री, थ्री पार्ट जो है आपका कलर है। अब आप देखिए थ्री इंटू वन बाय फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इनका जो होगा इनके सी का जो है आपका फर्स्ट होगा, तो मैं इसको इनका आंसर होगा आपका सी। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपका फर्स्ट का जो है फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए और थर्ड का क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो बच्चों सबसे बड़ा चीज़ें हैं यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी फिगर दिया रहे उनको पहले समझनी पड़ेगी, दूसरे तरह से भी मैं इसको करके बताता हूँ, देखो आप कैसे मैं समझाता हूँ। ये तो मैंने हुआ कि ऑफ ये जो है फिगर देख करके इस पर गया, अपोजिट में देखो, अपोजिट में क्या करना है, देखिए वन बाय फाइव है, वन बाय फाइव एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शन यानी फाइव फाइव पार्ट होगा, उसमें से एक पार्ट को कलर किया गया, तो कौन ऐसा फिगर है जिसमें फाइव पार्ट है, तो देखो इसमें वन टू थ्री है, इसमें ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें देखो वन टू थ्री फोर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फाइव पार्ट है ही नहीं, इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट है, अब फाइव में एक कलर किया हुआ है, देखो कलर किया हुआ है, ऐसे से कितने हैं, तो थ्री से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब वन टू थ्री, ठीक है बच्चे। इधर वाला देखो यहाँ पे जो है सो फाइव बाय थ्री है, तो मतलब थ्री बाय फाइव है, तो टोटल फाइव पार्ट है, तो वन टू थ्री फोर फाइव, उसमें कलर कितनी की हुई है, थ्री कलर की हुई है, तो थ्री कलर को हम यहाँ पे डार्क कर दिए। तो इस तरह से हम यानी आपके टॉप टू बॉटम भी चल सकते हैं और बॉटम टू टॉप भी चल सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, आर यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड।